Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Shaiteen Vlog. So guys, आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस दिखाने वाली हूँ. जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि खाड़ी के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त थी, अप टू 60% लाइक सेल लगी हुई है, तो आप लोग भी जाएँ उसको एक्सप्लोर करें. इसके बहुत ही खूबसूरत से पीसेज हैं. इस बार जो कलेक्शन थी वाकई में नो डाउट वो बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे बहुत पसंद आई. तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके ऊपर भी ब्लॉग बना देती हूँ ताकि आप लोग चेक करें ऑनलाइन वगैरह, जो भी आप लोग जैसे भी कर सकते हैं तो आप लोग उसको देखें. और बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे, मुझे बहुत पसंद आते. थोड़ी सी पर प्राइसेस जो है वो हाई थी, और जो मैं आप लोग कभी अपना ड्रेस दिखाऊंगी वो आप लोग का आई एम श्योर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. तो आप लोगों ने देखनी है और मुझे अपनी राय के बारे में भी ज़रूर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना. खाड़ी की कलेक्शन जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ. अगर आप लोग जो है पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं, खाड़ी का आउटलेट है तो जाएँ ज़रूर इसको देख कर अवेल करने के लिए, जो आप लोग चीज़ों को चेक करें. मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी. आज जो मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा रही हूँ वो 50% ऑफ पे ली है, जी हाँ. तो आप लोग जब उसको देखेंगे आप लोग को बहुत पसंद आएगा. उसके अलावा जो उसकी स्टिचिंग है मैंने बहुत अच्छी कराई, क्योंकि आप लोगों ने कहा था ना कि थोड़े से स्टिचिंग के आइडियाज़ भी हो जाने चाहिए, तो उसके अंदर आप लोगों को स्टिचिंग के भी बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ मिलेंगे. तो चलें ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं. हेलो जी गाइस, तो आज मैंने आप लोगों के साथ एक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस शेयर करना है, जो कि इतना खूबसूरत है और उसकी स्टिचिंग भी मैंने आपको दिखानी है, क्योंकि मैं मेरा जो ब्लॉग के अंदर आप लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ भी मिलते रहेंगे. उसके अलावा जो है मैंने आप लोगों को ये बात बतानी है कि मैंने ये इतना खूबसूरत ड्रेस जो है वो परचेज़ किया है खाड़ी की सेल से, जो कि अभी भी लाइव है. और आप लोग भी जाएं चेकआउट करें, अपने फेवरेट ड्रेसेस खरीद, इंतहाई खूबसूरत है. उसके बाद जो मैंने इसके ऊपर स्टिचिंग कराई है मैंने आप लोगों को वो दिखानी है, कितनी परफेक्ट स्टिचिंग हुई हुई है, कितनी स्टाइलिश और उस पर डिज़ाइनिंग कराई है. और जो है ये ड्रेस मैंने 50% ऑफ पे लिया है, तो मैं अभी आप लोगों को चले इसका रिव्यू कराती हूँ और आप लोगों ने चेक करना है और इसका स्टफ देखना है आपने, इसकी एम्ब्रॉयडरीज और हर चीज़ जो उसके ऊपर डिटेलिंग हुई हुई है वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को इस ब्लॉग के अंदर दिखाना है. तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसका कलर चेक करें, कितना खूबसूरत सी ग्रीन कलर है ये वाला. और जो है अनस्टिच था, थ्री पीस था, पूरा हैवी किस्म का एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके ऊपर. और जो है मैं आप लोगों को अब दिखाऊँ इसके ऊपर जो मैंने ये मोटी सी लेस लगवाई थी, जो कि आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, इसकी नेकलाइन से स्टार्ट हो रही है और फिर जो है वो नीचे तक ये लेस जाती हुई पूरी. मैंने इसको भी ओपन शर्ट स्टिच कराया था, क्योंकि ओपन शर्ट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगती है, और अगर इस तरह से पूरा हैवी किस्म का एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक हो तो उसके साथ जो उसको आप यूटिलाइज इस तरह से कर सकते हैं. तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिज़ाइनिंग और डिटेलिंग करवाई थी, जो मैंने आप लोगों को इसमें दिखानी है. और जो है मैं अभी आप लोगों को इसके स्लीव्स दिखाती हूँ. अच्छा, पहले आप लोग करीब से फैब्रिक को चेक करें, पूरा किस हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है एंड इसका जो है ना डॉबी फैब्रिक है, ठीक है. और एम्ब्रॉयडरी भी आप लोग चेक करें कि क्रॉस स्टिच टाइप जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है. और मैंने इसके जो स्लीव्स के ऊपर ये अलग से लेस लगवाई थी इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है. उसके बाद जो है नीचे से जो मैंने डिज़ाइनिंग कराई है ना वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी. बिल्कुल डिज़ाइनर जैसे स्टिचिंग होती है उसी तरह से मैंने इसको करवाया, क्योंकि लॉन के ड्रेसेस के ऊपर अगर हम लोग कुछ ना कुछ करवाएं ना तो वो बहुत ज़्यादा प्यारे हो सकते हैं. तो जैसे इससे फ्यूज़ के कपड़े, आप लोगों को आइडिया होगा कि वो भी इसी तरह की उनकी डिज़ाइनिंग होती है, और उनकी 20,000 अबव 20,000 उनकी ड्रेसेस की जो है वो कॉस्ट होती है. यहाँ से भी आप लोग चेक करें कितना खूबसूरत है. इसको पहनने के बाद ना लुक भी बहुत ज़्यादा प्यारी आती है. देखें आप लोग यहाँ स्लीव्स को देखें कि जब हम पहनेंगे तो कितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे. और इसको जो है मैंने इस तरह से कट इसका रखवाया था स्लीव्स का, ठीक है, यहाँ से देख लें अब आप. और जो है इसी तरह से फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों ने सेंटर में देखा, सेंटर से ये ओपन है इस तरह से, ठीक है. उसके बाद इसके हैवी किस्म के एम्ब्रॉयडर्ड के बॉर्डर भी दिए हुए थे, ये देखें ये इतने खूबसूरत इसके हैवी एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स हैं. इसीलिए ना मेरा पर्पस है आप लोगों को सेल की चीज़ें बताती रहूं, ताकि आप लोग भी जाएं और चेक करें, क्या पता आप लोगों को भी बहुत ही अच्छी कलेक्शन मिल सके. अच्छा, अब आप लोग देखें यहाँ से किस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी का जो पैच है ये ऑर्गेंजा के ऊपर था, जो कि अटैच होना था सिंपली. और उसके बाद जो है मैंने फिर इसके दामन के ऊपर भी इसी तरह से डिटेलिंग कराई, जैसे कि मैंने स्लीव्स पर कराई थी. एक जैसे लूप बड़ा सा बनवाया, उसके बाद एक ट्राइंगल इस तरह से करवा के पूरा इसकी लुक है. और ये फिर बड़ी सी लेस इधर लगवा दी थी, तो इस तरह से आप लोग इसकी लुक को चेक कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद अभी यहाँ तक इसकी डिज़ाइनिंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी है. ओके, सो अब यहाँ देखें चॉक्स के ऊपर जो है मैंने यहाँ पे बॉल्स लगवाई थी इस तरह से. और जो है ये ड्रेस टोटली न्यू इन कंडीशन है आप लोगों के सामने है, देखें कितना खूबसूरत है. जस्ट वन टाइम इसको कुछ देर के लिए पहना था और इतनी खूबसूरत इसकी कंडीशन है. फैब्रिक आप लोगों के सामने डॉबी फैब्रिक है, टेक्सचर जो होता है जैसे सफायर के पास वो लोग सेल करते हैं, उसी तरह से इसके ऊपर भी, खाड़ी के ऊपर भी वही का वही फैब्रिक है, ठीक है. अब मैं आप लोगों को इसकी बैक साइड दिखाती हूँ.
अच्छा जी गाइस, तो अभी आप लोग चेक करें कि इसकी बैक साइड जो है ना वो भी पूरी प्लेन है, और जो है बिल्कुल लॉन्ग सी शर्ट मैंने स्टिच करवाई, क्योंकि लॉन्ग आपको पता है बहुत अच्छे भी लगते हैं, उनका फैशन भी होता है, और जो है फिर बहुत ही खूबसूरत लुक भी आती है। आप देखें इसकी ना सिर्फ फ्रंट ही सिर्फ एम्ब्रॉयडर्ड नहीं थी, ना ही स्लीव, इसकी बैक साइड भी टोटली एम्ब्रॉयडर्ड है। आप लोग देख सकते हैं ये देखें, तो जो बैक साइड के ऊपर इस तरह से जो फ्रंट का दिया हुआ था पैच, उसी तरह से बैक साइड का भी दिया हुआ है। एम्ब्रॉयडरी आप लोग इसकी चेक करें कितनी खूबसूरत है, और इतना खूबसूरत ये ड्रेस है, पहनने के बाद ये और भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मैंने इसको जस्ट कुछ देर के लिए पहना था, आप लोग यहाँ से इसकी एम्ब्रॉयडरी को चेक करें कि क्या ज़बरदस्त किस्म की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई, और बिल्कुल लग्जरी ड्रेस था। 7000 का ये ड्रेस था जो कि मुझे 50% ऑफ पे मिला था, और इसके अंदर इसका सेकेंड कलर भी था, वो कलर जो था मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, वो स्किन के ऊपर था। तो ये जो सी ग्रीन है जिसको हम जिंक कलर भी कहते हैं, तो ये वाला बहुत ज़्यादा प्यारा है। अंदर से आप लोग देखें इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इसका ट्राउज़र भी दिखाऊंगी, उस पर भी मैंने बहुत ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग कराई है, एंड देन फिर दुपट्टा दिखाती हूँ। ओके जी, अब आ गया इसका बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र, इसका भी सेम टू सेम फैब्रिक है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अब इसके अंदर डिज़ाइनिंग आप लोग चेक करें, इस तरह से मैंने कराई है, और जो लूज़ कट ट्राउज़र होते हैं क्यू लॉट्स, उस तरह से मैंने इसको स्टिच करवाया हुआ, ठीक है। आप लोग यहाँ से इसकी डिज़ाइनिंग को चेक करें, अब नीचे भी आ जाएँ तो नीचे भी वही वाली डिज़ाइनिंग यहाँ पर भी हुई हुई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को शर्ट की स्लीव्स वगैरह पे दिखाया था, उसी तरह से सेम इधर भी करवाई है। तो बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस है, पहनने में इतना प्यारा लगा था कि जो है आप लोग को, इस वजह से मैं थोड़ी सी ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी देती रहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें डिज़ाइनिंग के भी आइडियाज़ दिया करें, ताकि हम लोग जो है थोड़ा सा अपने ड्रेसेस के साथ भी क्रिएटिविटी कर सकें। और ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ईजीली बन जाती है, मैंने अपने टेलर से बनवाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी, ताकि आप लोग भी इस तरह से अपने ड्रेसेस को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। तो चलें जी, अभी मैं आप लोगों को इसका खूबसूरत सा दुपट्टा दिखाती हूँ। फैब्रिक जो आप लोगों ने देखा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये देखिए टेक्सचर्ड फैब्रिक है, ठीक है। जो डॉबी होता है, डॉबी के अंदर जो है टेक्सचर होता है, इस तरह से फैब्रिक के अंदर प्लेन है लेकिन टेक्सचर फैब्रिक है, ठीक है। ये देखें, ये रही इसकी पूरी लुक। अच्छा जी, अभी आप लोग जो है ना इसके खूबसूरत से दुपट्टे के स्टफ़ को देखें, इतना प्योर दुपट्टा है ये वाला ड्रेस। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना, मैं भूल गई थी, मैंने आप लोगों को 7000 बताया, मगर ये 7800 का ड्रेस था, क्योंकि अभी मुझे इसका बैग मिला तो मैंने वहाँ पे इसकी प्राइस को देखा है, ठीक है। आप लोग इसके दुपट्टे के फैब्रिक को चेक करें, इतना खूबसूरत ये दुपट्टा है, बिल्कुल प्योर स्टफ़ पे है, और बहुत ही मतलब इजी है पहनने में, बड़ा क्विक सा दुपट्टा। अभी मैं आप लोगों को इसको शर्ट के साथ रख के दिखाती हूँ, बहुत ही स्टाइलिश है, और जो जस्ट इन मुझे 50% ऑफ पे मिला है, तो मैं आप लोगों को यही बता रही। लेकिन जो इसकी स्टिचिंग है उसने मुझे काफ़ी अच्छा कॉस्ट किया था, क्योंकि आपके सामने स्टिचिंग आजकल जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, तो फिर मैंने जो अगर डिज़ाइनिंग वगैरह हम लोग करवाते हैं ड्रेसेस के ऊपर, देन वो फिर थोड़ा टेलर जो है उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। अच्छा जी, अभी आप लोग इसके दुपट्टे के स्टफ़ को देखें, और इस शर्ट के साथ जो है इस दुपट्टे की लुक को देखें, क्योंकि जिसके अंदर फ्लावर्स बने हुए हैं उसके अंदर जो है पर्पल कलर ही इन्होंने ऐड किया हुआ है, जैसे लाइलेक होता है, और इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट ड्रेस है, उसके अंदर सी ग्रीन भी और पर्पल भी है, क्योंकि शर्ट में एक दो कलर्स है, तो उस वजह से दुपट्टे में वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस को ऐड कर देते हैं। और दुपट्टा जो है आप लोग देखें कितना खूबसूरत इसका दुपट्टा, इतना प्यारा इसका फैब्रिक है, इतना सॉफ्ट, जैसे बहुत ही पहनने में इजी ये लगता है कि आपने दुपट्टा कैरी ही ना किया हुआ, मतलब इतना प्योर स्टफ़ है, और जो है बहुत ही लाइट वेट, ठीक है। ये रही इसकी दुपट्टे की लुक, पीछे से आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोग इसको पीछे से दुपट्टे की लुक को चेक करें, बहुत ही लॉन्ग सा दुपट्टा है, इतनी लंबी इसकी लेंथ है दुपट्टे की, क्योंकि कुछ होते हैं ना दुपट्टों की लेंथ बहुत शॉर्ट होती है तो वो पहन के अच्छे नहीं लगते, इसके दुपट्टे की लेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो शर्ट भी इसकी काफ़ी लॉन्ग स्टिच करवाई है, लाइक जैसे कि हो जाए अगर 48, 49, 50, इस तरह से मैंने इसकी शर्ट को स्टिच कराया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मुझे लॉन्ग शर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, फिर आजकल जैसे कि फैशन भी है तो उस तरह से लॉन्ग वैसे भी पहन के बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, दुपट्टे को मैंने सिंपल रहने दिया, उसके ऊपर मैंने कोई डिटेलिंग नहीं करवाई, लाइक कोई पाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसको जो इतना ही रहने देना चाहिए। तो बस मैंने इसके दुपट्टे को इतना जैसे जस्ट उसके कॉर्नर्स बंद करवा लिए थे फिनिशिंग करवा के, लेकिन उसके ऊपर कोई टसल्स ये वो चीज़ें मैंने नहीं करवाई, क्योंकि होप कि इतना जो है मुझे लगा कि इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि शर्ट इसकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैवी है।
अच्छा जी गाइस, तो ये है कंप्लीट इस ड्रेस की लुक जो मैंने आप लोगों को कराई है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा क्योंकि मैं थोड़ी सी एफर्ट्स करती हूँ, थोड़ी सी क्रिएटिविटी जो ऐड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि शिफॉन के जो ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर जो इस तरह की डिज़ाइनिंग्स अच्छी नहीं लगती। जैसे कि अगर इस तरह के ड्रेसेस होते हैं लॉन के, आप लोग देखते भी होंगे सिफ्यूज वगैरह के, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करते हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव भी सेल करते हैं, तो ये भी उसी से इंस्पायर्ड है। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।